अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए इसका जो सामने का जो इसका ये इस पे आइस आने का रीज़न क्या है, ये इसका आइस आने का मतलब क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर पे नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये साहब देख रहे होंगे यहाँ से अभी बर्फ़ इतनी सारी थी यहाँ पर, ये मैंने पिघलवाई है इसको पूरी, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसमें बर्फ़ जमा हो गई थी तकरीबन। तो इसका क्या रीज़न होता है वो मैं अभी तफसील से आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ऊपर तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कूलिंग हो रही है, लेकिन नीचे इतनी इतनी ज़्यादा बर्फ़ आ जाती है कि जो है ना कूलिंग करना छोड़ देता है। जाहिर सी बात है, इस पर हल्की हल्की बर्फ़ होगी तो अच्छी कूलिंग होगी, और ज़्यादा बर्फ़ होगी तो वो कूलिंग नहीं होगी, फिर वो जाहिर सी बात है वो बर्फ़ ही जमती रहेगी और मतलब कूलिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी इसके अंदर। तो इसका रीज़न वीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसका या तो मिसाल के तौर पर थर्मोस्टेट ख़राब है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट होता है इसका, ठीक है, और या फिर ये इसकी बेलो ख़राब है, मतलब ये थर्मोस्टेट ख़राब है। अब थर्मोस्टेट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये इसका स्विच होता है, ठीक है, ये इससे कट ऑफ होता है। ये देखें अभी ये आवाज़ आई है आपको, ये आवाज़ होती है इसके अंदर। अगर यहाँ से कट ऑफ हो रहा है तो ये इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ से कट ऑफ होता है तो, और मतलब इससे कट ऑफ नहीं होता। तो जब तक इससे कट ऑफ नहीं होगा मतलब इसकी बैलों से कट ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पे बर्फ़ जमेगी, लाजमी बात है। बर्फ़ जमेगी तो बहुत बहुत ज़्यादा जमती रहेगी, कंटिन्यूसली चलता रहेगा कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के लिए होता है, कंप्रेसर को कट ऑफ करता रहता है ये बार बार टेम्परेचर के हिसाब से, जो आपने यहाँ टेम्परेचर सेट किया उसके हिसाब से ये कट ऑफ करता रहेगा। अब जाहिर सी बात है जब ये कट ऑफ नहीं करेगा तो फिर ये मतलब इसकी बैलों कट ऑफ नहीं करेगी तो ये कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यहाँ बर्फ़ बनती रहेगी और कंप्रेसर भी हीटअप होगा, लाजमी बात है। फिर बार बार ट्रिप होगा वो और ख़राब होने का ख़तरा होगा। तो बेहतर यही है इसको, इसका एक पहला सबसे ये रीज़न है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसका हीटर अगर काम ना कर रहा हो उस सूरत में भी यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, और अच्छी खासी बर्फ़ जम जाती है। तो ये तीन रीज़न होते हैं इसके। अच्छा, थर्मोस्टेट का मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है ये इसकी बैलो जो है ये कंप्रेसर को उससे कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है इसका माइनस की तरफ जाता है, जो हमने यहाँ पे 7 पे सेट किया है, 6 पे सेट किया है, जैसे ही वो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा ये फ़ौरन से कंप्रेसर को बेलो इसको कमांड देगी और ये फ़ौरन से कट ऑफ कर देगा। ये इसका सीन होता है। और अगर ऐसे बंद हो रहा है मिसाल के तौर पर, तो ये अगर ऐसे घुमाने पर आप बंद करके देख रहे हैं इसको और चेक कर रहे हैं कि यार ये सही है या ख़राब है, तो ऐसे तो ये बंद होगा लाजमी, ठीक है। बेलो सही है या ख़राब है वो आपको कैसे चेक करना है उसका तरीक़ेकार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका थर्मोस्टेट का मामला होता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जो जमती है इसके ऊपर। ये मैं बर्फ़ पिघलवा चुका हूँ आपके सामने, ये फ्रिज देख लें, ये देखें, ये मैं इसकी बर्फ़ जो है वो पिघलवा चुका हूँ, ठीक है। ये इसका तरीक़ेकार है। अच्छा, तो अब इसके मतलब उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ आएगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह।